कासगंज जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक दिन पूर्व लापता हुई 8 वर्षीय बच्ची का गांव के ही एक घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्ची के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों द्वारा बच्ची की दुराचार के बाद लोहे के वाट से कूट कूट कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हस्ती खेलती और तख्त पर बैठी ये तस्वीर कासगंज कोतवाली क्षेत्र के सीमापवर्ती गांव बिटोना निवासी इख्तियार की मासूम 8 वर्षीय बच्ची की है और ये गांव की ही एक विद्यालय में कक्षा 1 की छात्रा थी, जो कि बच्ची अब दुनिया से अलविदा कह गई। हत्यारे ने बच्ची के लोहे के बाट से सिर को कूट कूट कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। आपको बता दें कि मासूम बच्ची बीते दिन सोमवार की दोपहर खेलते वक्त लापता हो गई थी। मंगलवार की सुबह गांव के घरों की तलाशी ली जा रही थी, इसी बीच उम्रबानों के घर में खून से लथपथ बच्ची का शव पड़ा हुआ था। शव मिलने की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस के साथ आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहाँ उन्होंने घर में मिली वृद्धा उम्रबानों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बच्ची की हत्या क्यों की गई, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, तो वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बहरहाल मृतका के परिजनों की सुई वृद्धा उम्रबानों के नाती हैदर अली उर्फ डैगी पर इसलिए जा रही है कि उसके शव के पास अंडरवियर और डैगी का मोबाइल पड़ा हुआ था, जिससे बच्चे की हत्या से पूर्व दुराचार की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक घटना का खुलासा हो सकेगा कि उसकी दुराचार के बाद हत्या हुई है या नहीं। साहब, एक मासूम की हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? बहुत दुखद घटना है। कल शाम को ये बच्ची 1 बजे करीब घर वालों को मालूम हुआ कि मिल नहीं रही है, तो वो लोग शाम तक तो ढूंढे, वो लोग 5-6 बजे तक, बड़ा गांव है, तो शाम को आए थाने पे तो उसका मुकदमा लिखा गया तुरंत। इंस्पेक्टर और सीओ हमारे दोनों है और रात भर तलाशी हम लोग करते रहे गाँव वालों के साथ, सफलता नहीं मिली। आज सुबह वो 4-6-8 घर छोड़ के एक घर में उसकी लाश मिली है, तो हम लोग अभियोग पंजीकृत कल ही कर लिए थे, उसको तरमीम करके सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। दुखद ये है कि वो बच्ची जो हत्यारे हैं उनकी भांजी लगती थी, मामा भांजी का रिलेशन है दूर काम का। इन्हें शक भी नहीं था कि इस घर में हो सकती है, तलाशी के दौरान भी वहाँ उतनी शक्ति नहीं दिखाई कि तो अपना घर का परिवार भी बढ़ता है। तो इस तरह से घटना हुई है, हमने FIR कर ली है और एक को मैंने गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना का मोटिव पता नहीं अभी चल पा रहा है, मोटिव है कहीं कोटिव मोटिव है ही नहीं, ना कोई रंजिश है, ना कोई बात है, ना कुछ है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर होगा क्या हुआ है और उनसे जो मुलजिम है उनसे पूछताछ होगी, तब क्लियर हो पाएगा कि आखिर घटना का वजह क्या है।